नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। मैच हारते ही रोहित शर्मा का आया बड़ा बयान, बताया क्यों मिली टीम इंडिया को शर्मनाक हार। मेजबान न्यूजीलैंड ने भारत को T20 क्रिकेट में उसकी सबसे बड़ी हार दे दी। वेलिंगटन में बुधवार को खेले गए 3 मैच की T20 सीरीज से पहले मुकाबले में भारत 80 रनों से हार गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस हार कर सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए अपना T20 में सर्वोच्च स्कोर 219 रन दिए। जवाब में भारतीय टीम महज 20 ओवर्स में महज 139 रन ही दे सकी। रनों के लिहाज से T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी हार मिलने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, ये मैच मुश्किल था, हमने तीनों विभागों में बेहद ख़राब प्रदर्शन किया। हम जानते थे छोटा मैदान होने के बावजूद यहाँ 220 रन का लक्ष्य आसान नहीं, हमने साझेदारियाँ नहीं बनाई, इसकी वजह से ये मुश्किल हो गया। इसके साथ ही रोहित ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने टॉस जीतकर इस विकेट पर लक्ष्य का पीछा करना चुना। उन्होंने कहा कि हम अच्छे लक्ष्य का पीछा करते हैं, इसलिए हम ऑलराउंडर समेत 8 बल्लेबाजों के साथ खेले। हमें सिर्फ एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी जो हम नहीं कर पाए। इससे पहले कीवी टीम के लिए टीम सिफर्ट ने 43 गेंदों में 7 चौके 6 छक्कों की मदद से 84 रन की तूफानी पारी खेली। कॉलिन मुंडो ने 20 गेंदों पर 34 रन बनाए। कप्तान विलियमसन ने 22 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली। सेंट सोडी ने 2-2 विकेट लिए। फर्ग्यूसन ने 2 और साउदी ने 3 विकेट अपने नाम किए। दूसरी ओर भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने 31 गेंदों में सर्वाधिक 39 रनों की पारी खेली, मगर उनकी बल्लेबाजी से कहीं नहीं लगा कि वे जीत के लिए खेल रहे हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।